नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर 3 में प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन हम कई तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड केमिकली रिएक्शन वाइज कैसे हम कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर पाएंगे ये मैं बता रहा हूं, ध्यान देना जरा। 4 मेथड्स आर अवेलेबल। फर्स्ट मेथड टू केमिकली प्रिपेयर कोलॉइड्स, वी कैन से सोल्स आल्सो, इज by double decomposition method. By double decomposition method, arsenic oxide is reacted with hydrogen sulfide to form arsenic sulfide in the form of colloid and water is released. Here we can say oxygen goes towards hydrogen and sulfur goes towards arsenic. That's why we can say that it is a double decomposition reaction. Next one is oxidation reaction. Here sulfur dioxide is reacted with hydrogen sulfide. ठीक है, तो hydrogen oxygen को pick कर लेगा, sulfur separate हो जाएगा और colloid में बदल जाएगा, उसको हम सोल कह रहे हैं। Next method is reduction. Reduction में क्या होगा, देखिए, gold trichloride is reacted with formaldehyde in presence of water to form gold sol. Formic acid is released as well as hydrogen chloride is released. Next method to form colloid is hydrolysis. In hydrolysis, ferric chloride is reacted with water to form FeOH3, ferric hydroxide, and hydrogen chloride is released. Here this is a sol or colloid. Next method to prepare colloid is by electrical disintegration or Braddock's, we can say Braddock's arc method. Braddock is a scientist. ध्यान दीजिएगा, Braddock's arc method में हम किस तरह से prepare करते हैं colloids को। देखिए बच्चे बड़ा simple है, 2 electrodes ले लिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और हमने डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, वाटर लाइक वाटर ले लिया। डिस्पर्जन मीडियम में हमने कोलाइडल सोल्स मेटल के बनाने चाहे, किसके, गोल्ड के, सिल्वर के, प्लैटिनम के, एटसेट्रा, प्रीशियस एलिमेंट्स और यू कैन से एक्सपेंसिव एलिमेंट्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम हम इसमें प्रिपेयर करते हैं मेनली। तो इसमें क्या होगा, जब जो ये इलेक्ट्रोड्स जब आपस में टच करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होगी और हीटिंग इफेक्ट आएगा, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण वी कैन से सोल्स प्रोड्यूस होंगे, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल और प्लेटिनम सोल। और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मेटल को बेसिकली वेपराइज करती है, मेटल को वेपराइज करती है, विच देन कंडेंसेस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। मतलब जो हीट इनके आपस में टच करने पे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो रही है, जिसके कारण वेपराइजिंग इफेक्ट आ रहा है। जो वेपराइजिंग इफेक्ट क्या कर रही है, मेटल्स को यू कैन से हीट अप करके वेपराइज कर रही है और अल्टीमेटली कंडेंस कर रही है और कोलाइडल साइज पार्टिकल्स में चेंज अप कर रही है। नेक्स्ट वन इज पेप्टाइजेशन। देखिए पेप्टाइजेशन के थ्रू भी हम प्रिपेयर करते हैं कोलाइडल सोल्स को, ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल्स को। देखिए इसमें क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, और into colloidal form by addition of suitable electrolytes is called peptidization. मतलब जो भी freshly prepared precipitates बनते हैं colloidal form में, उनको हम suitable electrolyte के साथ react करवा देते हैं, ठीक है। Cause of peptidization की बात करें, during peptidization the precipitate adsorbs one of the ions of the electrolyte in its surface. Surface पे adsorb हो जाते हैं, जिसके कारण positive और negatively charged
डिवेलप हो जाता है ऑन प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, विच अल्टीमेटली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द ऑफ साइज ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। अब देखिए इसका एक्चुअल एग्जांपल बताऊंगा। देखिए अगर हम FeOH होल 3 आयरन का हाइड्रोक्साइड है, ये एक प्रेसिपिटेट है, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं Fe3 पॉजिटिव आयन के साथ, क्या होगा? ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइट Fe3 पॉजिटिव का है वो जब आएगा तो ये इसके पहले तो ये स्मॉलर पार्ट्स में बदल जाएगा और इसके ऊपर Fe3 पॉजिटिव आयन्स डेवलप हो जाएंगे। इन इस पार्टिकल्स को कोलाइडल पार्टिकल्स कहा गया। इस तरह से हमने 4 मेथड्स पढ़े केमिकल मेथड के अंडर, जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं कोलाइड्स को। सेकंड हमने पढ़ा बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड, थर्ड हमने पढ़ा पेप्टाइजेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसमें हम कोलाइड्स प्रिपेयर कर सकते। नेक्स्ट इज डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, ये बच्चे क्रिस्टलाइड को कोलाइड्स से सेपरेट करने का वे है डायलिसिस प्रोसेस में, ठीक है। बेसिकली कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स को हम सेपरेट कर रहे हैं बाय अ सूटेबल मेम्ब्रेन, बाय अ सूटेबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन भी हो सकता है और यू कैन से पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी हो सकता है, वैसे सेम वे में सूटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी बॉडी में भी किडनीज जो हैं ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, तो वो क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो जो प्योरीफाइड ब्लड है वो पास हो जाता है किडनीज में से, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सबसे पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, ग्रेडेड फिल्टर पेपर ले लेंगे। ग्रेडेड फिल्टर पेपर को एक फनल में रख देंगे, वही ओल्ड मेथड टू सेपरेट क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। हम क्या करेंगे, ग्रेडेड फिल्टर पेपर लेके जो तो इसके पोर्स में से एंटर कर गया वो हमारा स्मॉलर पार्टिकल होंगे, ऑब्वियस है, और जो नहीं किया सेपरेट, जो फिल्टर पेपर ने रोक लिए पार्टिकल, उसे हम बिगर साइज पार्टिकल्स कहेंगे, और यू कैन से हम इस तरह से कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड को सेपरेट कर देंगे, और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, हम क्या करते हैं, एक ट्यूब में कंटेंट ले लेंगे टेस्ट ट्यूब। तो जो हमने टेस्ट ट्यूब ली उनके जो कंटेंट है, ठीक है, जब ये बहुत स्ट्रॉन्गली रोटेट करेगा, तो रोटेट जब होगा तो इनके जो बहुत हाई स्पीड पे जब रोटेट होगा तो इनके जो कंटेंट होंगे वो क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम कोलाइड को क्रिस्टलॉइड से सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट में क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं। ब्रोनियन मूवमेंट हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने ये बोला था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, ये अगर हम पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो ये जिगजैग मोशन में मूव करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को जब फोर्सफुली बम्बार्ड करता है तो उसकी अपनी पोजीशन वो बदल लेता है। इस तरह से वो पार्टिकल, एक पार्टिकल जब बार बार बम्बार्ड करेगा, आगे आगे पार्टिकल्स जब होंगे तो वो अपनी पोजीशनिंग बदलता जाएगा और जिगजैग मोशन में मूव करने लग जाएगा। इसे हम ब्रोनियन मूवमेंट कहते हैं। हम ब्रोनियन मूवमेंट के अंडर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ते हैं। पहला एवोगैड्रो नंबर,
कैसे डिटरमाइन किया गया ये ब्रोनियन मूवमेंट ने हमें बताया। सेकंड, ग्रेविटेशनल पुल जो कि एक्ट कर रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स पे, ठीक है, तो ये भी हमारे को एक्सप्लेन करता है कि कितना फोर्सफुली कोलाइडल पार्टिकल्स पे ग्रेविटेशनल पुल एक्ट कर रहा है, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स बताता है हमें, ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सोल्स बाय नॉट अलाउइंग देम टू सेटल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज ये हमारे को डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं सीजलेस मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, और बाय पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी प्लस वन में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था कि भाई सीजलेस मोशन होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, तो ये हमारे को ब्रोनियन मूवमेंट के थ्रू एक्सप्लेन करने को मिलता है। नेक्स्ट इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बच्चे नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था, बड़े अच्छे से पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। देखिए अगर हम कोई सोर्स ऑफ लाइट लेंस पे पाएं और ट्रू सॉल्यूशन में पाएं, तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा। पास होके क्या होगा, अगर हम फर्दर कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइक मिल्क में पाएं, तो अल्टीमेटली वो स्कैटरिंग हो जाएगी, जिससे हमें पता लगेगा, और ये स्कैटरिंग को ही हम टिंडल इफेक्ट बोल रहे हैं। अगर हम अपने आई से माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करें, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हमें ऑब्जर्व हो सकती है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट टू कंडीशंस में ही हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। फर्स्ट, रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड। मीन टू से दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज साइज वाइज मैग्नीट्यूड डिफर होना चाहिए लार्जली। नेक्स्ट, डायामीटर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का डायामीटर बहुत ज्यादा स्मॉलर नहीं होना चाहिए, इतना स्मॉलर नहीं होना चाहिए कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से भी मैच ना करे। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? देखिए बच्चे, जो जितने भी चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स ऑपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव अप करते हैं। तो अगर हम लेट अस सपोज बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें, इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये बताया गया, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है, इसमें हमने जो सॉल्यूशन रखा है कोलाइडल सॉल्यूशन रखा है। लेट अस सपोज जो कोलाइड्स हैं, ठीक है, वो कोलाइड्स नेगेटिव सोल्स हो, क्या हो, नेगेटिव सोल्स। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होंगे तो ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, क्या करेगा, नेगेटिव सोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल भी दिया गया, आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिवली चार्ज सोल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, जो ऑपोजिटली चार्ज सोल से जितने भी वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह की सेपरेशन को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। जो कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, पर यूनिट सेकंड में कितनी मोबिलिटी रखते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक सेकंड में नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स ने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए, उसे हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डॉर्न इफेक्ट। डॉर्न इफेक्ट क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। डॉर्न इफेक्ट होते हैं जिसमें ओनली फॉर कॉम्पिटिशन है, बड़े ध्यान से समझिएगा,
जब चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाए, क्या हो जाए, सेटल डाउन, ठीक है। मतलब यहां पे जो हमने डायग्राम बनाया था, नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है। अगर बच्चे कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के थ्रू, ठीक है, अब होगा क्या, ये यहां पे नहीं जा पा रहे, कुछ पार्टिकल नहीं भी जा पाएंगे, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव सोल्स हैं और ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, दोनों में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवेलप हो जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेलप हो रहा है, ठीक है, उसे डॉर्न इफेक्ट कहा गया। क्या कहा गया, डॉर्न इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, सेम वे में इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है, जिनमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूट से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना, सबसे पहले इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में इस तरह का इंस्ट्रूमेंटल सेटअप किया गया, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। देखिए है क्या, ऊपर से कोलाइडल सॉल्व कोलाइडल सोल्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन आ रहा है। यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, जब हमने रख दिया, इधर कोलाइडल सोल आ रहे हैं, जो अगर तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव की तरफ जाने, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड सोल्स होंगे, तो वो किधर को जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, सॉल्वेंट तो पास हो जाएगा, ठीक है, जिनकी लोअर कंसंट्रेशन होती है वो पास हो जाते हैं, जो हायर कंसंट्रेशन जिनकी होती है वो पास नहीं हो पाते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अबव यहां पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और सॉल्वेंट यहां से एंटर हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी जिसमें जिसमें सॉल्वेंट तो यहां पे जा पा रहे हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन सॉल्यूट नहीं जा पा रहा ड्यू टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही अगर सोल्स पॉजिटिवली चार्ज होते तो यही प्रोसेस किस साइड होता, इस साइड होता, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हम चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, चार्ज क्या है कोलाइडल पार्टिकल में, इसको भी सेपरेट करने में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा चार्ज है कोलाइडल पार्टिकल। इसके बाद स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, वही चीज जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं तो पॉजिटिव सोल्स जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहे, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस को स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कह देते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन ऑफ कोलाइड्स। बच्चे कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन ऑफ कोलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेगा। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, मतलब मान लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव सोल है, ठीक है, इसके अबव नेगेटिवली चार्ज्ड सोल इस तरह से आ जाए,
ठीक है। और एक और इसी तरह से बन जाए जब हम सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद तो एक तरह से ये न्यूट्रलाइज हो गया। पॉजिटिव सोल के ऊपर क्या आ गए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ गए अगेन, तो दोनों में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव अबव सरफेस पे आ रहे तो रिपल्शन होने लग जाएंगे और ये धीरे 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 सेटल डाउन होने लग जाएंगे, और अगर नहीं भी हुए तो ये सेपरेट रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उसे हम फ्लॉक्यूलेशन और कोएगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉक्यूलेशन और कोएगुलेशन।